कमान। और ये हम लोगों ने पूरा घर गिरा दिया बहन की, तेरी बहन की। अरे माइकल से कैसे पंगा लिया वह, माइकल से पंगा ले कैसे दिया आपको है? नहीं दिया। अच्छा अस्सलाम वालेकुम, कैसे सब लोग, वेलकम बैक टू द गेम वीडियो। आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। काफी दिनों के बाद हम लोगों ने GTA 5 गेम शुरुआत की है। वाह क्या सीन है। और हम लोग बहुत काफी दिनों के बाद GTA 5 गेम खेल रहे हैं, तो आप लोग भी भूल गए होंगे। नहीं तो खैर मैं आप लोगों को बताते चलूं कि लास्ट वाली वीडियो में अबे ये क्या पंगा हो गया भाई। तो मैं ये कह रहा था कि लास्ट वाली वीडियो में जो है हम लोगों ने बाइक माइकल को गिफ्ट की थी, एक बार मैं इसे पड्डा कर दूं, ये मेरे खामखा तंग कर रहे हैं। चल निकल, बस निकल गया वो, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे लास्ट वाली वीडियो में हम लोगों ने माइकल को बाइक गिफ्ट की थी, और बाइक जो है वो माइकल टेस्ट ड्राइविंग के चक्कर में वो निकलते निकलते एयरपोर्ट निकल गया, पर किसी न किसी तरह वो एयरपोर्ट निकल गया। पर सीन ये होगा वहाँ पे, अरे कहना क्या चाहते हो, उसको 5-star पुलिस लग गई और वो बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका था। पर वो जो है भगा भगाते बातें बच बचा के किसी न किसी तरह उसने बाइक को तो बचा लिया। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। खुद भी बच गया और पुलिस वालों से बच गया। तो फिर वो जो है अभी बाइक जो है उसके पास ही है, उसके पास ही है, काफी डैमेज आए बाइक को, और माइकल को भी कुछ गोलियां मोलियां लगी है। तो वो जैसे ही वो कांटेक्ट करेगा तो हम लोग जाके उससे बाइक ले आएंगे। अभी बाइक उसके पास ही है, हम लोग फिर जाके बाइक मैकेनिक को दिखाएंगे और उसमें जो डेंट पेंट आया वो सही करके माइकल को वापस कर देंगे। आज जो है हमारा जो प्रोग्राम है वो मिशन करने का है, आज जाके माइकल के साथ माइकल के पास जाके वहाँ पे मिशन करते हैं। चलो गाइस मैंने मैप पे जो है ये लगा दिया है। अपने बालों के साथ खेलना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। चलो गाइस अभी हम आज मिशन करेंगे, काफी दिनों के बाद हम लोग GTA 5 खेल रहे हैं। Hey, काफी टाइम हो गया इसको खेले हुए, थोड़े से जो है सेटअप भी मैं भूल चुका हूँ। खैर ये है कि अगर कोई मस्ती वाला गेम खेलना हो तो भाई GTA 5 बेस्ट गेम है। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना, तफरी के लिए फुल गैंगस्टर बनना है या फिर कोई और ड्राइव करनी है, गाड़ी चलाने का मन कर रहा है तो भाई अपना तो GTA 5 ही है जो मस्त है। कॉल आ रही है पर कॉल हम अटेंड नहीं करेंगे इस वक्त भाई साहब। यहाँ पे कोई सीन हो रहा है सामने पर, नहीं रहने देते भाई, पता नहीं ये क्या सीन हो रहा है पिछली बार। चलो देख लेते यार क्या सीन है। ट्रक के साथ कोई मसला है क्या? वैन अटैकिंग अ सिक्योरिटी वैन डैमेज द सेंटर ऑफ द रोड। वैन डैमेज होगी तो उसके बाद जो है डोर ओपन होगा, जहाँ तक मुझे समझ में आया तो यही सीन है। इसको मैं अभी डैमेज करता हूँ भाई, यहाँ पे अलग तेरी बेंस की जल्दी आ। वे ये मैंने लगा दिया और ये 5-4-3-2 वो तेरी खैर। डैमेज हो गया, अब ये क्या सीन है भाई। अच्छा यहाँ से हमें ब्रिक ये क्या है, ब्रिक हुई, हाँ ब्रिक कैसे हमने उठा लिया। यहाँ से हम फटाफट से निकलते हैं इससे पहले कि पुलिस हमारे पीछे आए, और हम लोग यहाँ से फटाफट से निकलते हैं अपने माइकल की तरफ जाते हैं, वहाँ पे मिशन करते हैं। ओ भाई साहब कोई मैसेज आया है मेरे ख्याल से मोबाइल में, जो कि अच्छा फ्रैंकलिन ने जो है लेमार ने फ्रैंकलिन को मैसेज किया है कि मैंने चोप को तुम्हारे पास छोड़ दिया है, वो तुम्हें बहुत ही पसंद है, तो आज से वो तुम्हारे साथ ही रहेगा। ले भाई फैमिली मेंबर्स में एक और इजाफा हो गया, और इजाफा भी हुआ है कुत्ते का। कुत्ते को हम खाना खिलाएँगे, उसका ख्याल रखेंगे, नहाएंगे धुलाएंगे, वॉक भी ले जाएंगे, वॉक पे जाने का बड़ा मज़ा आता है सुबह सुबह। चलो गाइस हम लोग माइकल के घर पहुंच चुके हैं, अब देखते हैं कि क्या सीन है। ओ भाई ये क्या, ये कहाँ भाग रहे भाई, ओ भाई भाई साहब ये तो बहुत गलत सीन हो गया। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना भाई, इसके पीछे हम लोग जाना पड़ेगा, यहाँ पे कोई लफड़ा हो गया है। तो चलो गाइस, अरे ये जो है मेरे जो गाड़ी जो है वो बिल्कुल बेकार गाड़ी दी हुई है यार, ये कैसी गाड़ी, स्लिप हो रही है, इसका टायर स्लिप हो रहा है। ओ भाई साहब लोग गलत आ गए भाई, वहाँ से ऊपर जाने का रास्ता है क्या, यहाँ से भी नहीं है। ओए तेरी बेंस की, वो निकल रहा है भाई, क्या कर रहा है। यहाँ से हम लोग जाएंगे आगे की तरफ, और ये बिल्कुल ये कैसे ज़बरदस्त एरिया है, यहाँ पे जैसे डिफेंस नहीं होते इस तरह एरिया। यहाँ पे हम लोग राइट मुड़ेंगे और यहाँ से हम लोगों ने स्ट्रेट जाना है,
ठीक है गाइस, और ये मैं आ चुका हूँ। ओ तिरवे, ये मैंने यहाँ पे, ओए तिरवे, मैं फिर दोबारा से आगे आ गया। खैर चलो गाइस, हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे घर आ चुका है, और ये घर के ऊपर जो है बंदा खड़ा हुआ है। यहाँ से हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं, अब देखते हैं कि क्या इसको क्या करना है। यहाँ से मैं यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देता हूँ। माइकल बड़े गुस्से में, भाई माइकल इसको नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। फ्रैंकलिन ने जो है एक रस्सी लगा दी है, तो खैर मैं जो है माइकल जो है अपने गाड़ी में बैठ जाता हूँ। चलो गाइस, अब इसको मैं खींचता हूँ। चलो गाइस, एक हिस्सा गया, थोड़ा और जोर लगा के, कम ऑन माइकल फ्रैंकलिन, एक और बस ये घर जाने वाला है। ये देखे भाई साहब, कम ऑन, और ये हम लोगों ने पूरा घर गिरा दिया है। बहन की, तेरी बहन की, अरे माइकल से वैसे पंगा लिया है, माइकल से पंगा ले। कैसे दिया आपको है? नहीं दिया, अच्छा तो यही होगा, माइकल अपना गैंगस्टर है भाई, माइकल से पंगा लेने का नहीं। तो घर का तो उसने काम कर दिया उसको, अब यहाँ से फटाफट से निकलते हैं अपने घर की तरफ, बाकी काम निपटाते हैं। और यहाँ से हम लोगों ने भाई उसको पूरा घर ठोक दिया। Hey, तो गो बैक टू माइकल हाउस, अभी हमें माइकल के हाउस जाने हैं और वहाँ पे देख दे के क्या है। इसी अननोन नंबर से कॉल आ रही है। ओ भाई साहब, भाई वो कह रहे हैं वो तो मेरा घर नहीं था, तू घर तोड़ा है, वो किसी और का था। देखा आपने लापरवाही का नतीजा, मदर ग्रासो का घर था और वो माइकल ने तोड़ दिया है भाई, अपने लिए पंगा खड़े कर दिए। और मदर ग्रासर जो है उसके बंदे पीछे लग चुके हैं भाई साहब। अभी हम लोग इससे बचने के लिए हम लोगों ने भागना पड़ेगा अपनी जान बचाने के लिए। और माइकल ने यहाँ पे बहुत बुरा ही पंगा ले लिया है, जो कि यहाँ पे इस एरिया का जो बदमाश है गैंगस्टर जो है उसने जो है उसका घर तोड़ दिया है। और माइकल को पता नहीं था कि यार टेनिस कोच का घर है, बट टेनिस कोच कह रहा था कि यार तुझे पता नहीं है मैं टेनिस कोच हूँ, मेरा इतना घर बड़ा घर कैसे हो सकता है। पर ये जो है माइकल से अब हो गई है, गलती कह लो या माइकल ने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। पर माइकल भी क्या करता है ऐसे सिचुएशन में, भाई साहब यही करना बनता था। अब यहाँ से भाई इनसे बचने के लिए हम कहाँ जाए, गाड़ी की स्पीड इतनी नहीं है कि हम लोग गाड़ी में भाग सके। और यहाँ से मैं राइड ले लेता हूँ और यहाँ से निकलने की करता हूँ। भाई ये गाड़ियाँ तो, ओ भाई साहब, लगता है पूरा शहर जो है इसके ही कब्जे में है भाई। मदरसे में लेफ्ट चला जाता हूँ भाई साहब, चलो भागो भागो, ये तो भाई छोड़ने वाला है नहीं। और ये इससे मैं कैसे बचूँ भाई, ओए 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 ओए, बच गए भाई, बच गए, गाड़ी की जो बैलेंस थे वो अच्छा आउट नहीं हुआ। पर अब ये भी मद्रासों का साथी है क्या भाई, भागो भागो, पीछे बंदे फुल एंड फुल फाइनल आ रहे हैं। मेरे ख्याल से गन इस्तेमाल करनी पड़ेगी। ओ यहाँ से मैं लेफ्ट ले लेता हूँ भाई साहब, अच्छा फ्रैंकलिन उस पर फायरिंग कर रहा है। पर यार ये क्या चीज़ है, ये भी है, सारे बंदे इसके लगते हैं उसने पूरे बंदों को लगा दिया है अब हमारे पीछे। पर इनसे अब लड़ना पड़ेगा, इनसे भागना कोई मेरे ख्याल से हम लोग यहाँ से, चलो खैर खैर कोई बात नहीं, हमें लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं तो सोच रहा था कि निकल के गन मन उठाते हैं, फ्रैंकलिन भी उठाते हैं, मैगिल भी उठा लेगा, फाइट शुरू कर देगा। पर यहाँ पे क्या है कि चलो वो जो है चले गए, निकल गए यहाँ से। गाड़ी के जो है सिचुएशन बहुत ख़राब है भाई, इससे टायर बिल्कुल स्लिप हो रहे, ब्रेक भी नहीं लग रही, इतनी बेकार गाड़ी है। तो चलो गाइस, हम लोग मेरे ख्याल से माइकल के घर पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं क्या सीन है। पंगा तो बहुत गलत ले लिया माइकल ने, घर तोड़ दिया उसका, लगभग करोड़ों अरबों का तो होगा। माइकल के पास सिर्फ $17,000 पड़े हुए और उसका नुकसान वो कैसे भरेगा, अभी आगे देखते हैं। बहुत ही कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला। यही नहीं, अभी और सुनिए, क्योंकि पंगा ले लिया है जो है गैंगस्टर से। भाई साहब यहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ और देखते हैं क्या सीन। राइट पे हम लोग मुड़ेंगे। ओए चलो गाइस, हम लोग पहुँच चुके हैं, अब देखते हैं क्या सीन है यहाँ पे। ओ भाई साहब, ये
का घर तोड़ा है, ये वही गैंगस्टर है जो माइकल ने इसका घर तोड़ दिया। अब ये इसको क्या कहने आया भाई साहब, फ्रैंकलिन से पूछ रहा है भाई तू कौन है भाई, इसका लाइसेंस भी ले लिया इसने भाई, इसका चालान हो जाएगा, लाइसेंस तो वापस कर मद्रासो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको, नाम तो चेक करो इसका मद्रासो। मद्रासो जो है एक बिजनेसमैन है और ये जो है एक बिजनेस डील करता है, ड्रग्स मस्त भी करता है और ये गैंग का भी एक मेंबर है। तो भाई माइकल की तो शामत आई हुई है और माइकल को बुरी तरह से पीट रहे हैं। फ्रैंकलिन पे गन तानी हुई है, फ्रैंकलिन बेचारा कुछ नहीं कर सकता। भाई माइकल तेरी किस्मत में यही लिखा था, ओ तूने टेनिस कोच के बदले में मेरा घर तोड़ दिया, मैं तुझे तोड़ूंगा, तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। ओ भाई साहब कह रहे हैं कि मेरा घर जो था 2.5 मिलियन रेंज का था और तूने घर तोड़ के बहुत गलती की, पर इसको बहुत बुरी तरह से मार दिया है। माइकल जो है एक और लफड़े में फंस चुका है। अब देख लो यार क्या सीन है यार इसका। यार माइकल कह रहा है कि भाई मैं तो अब पोस्टमार्टम हो गया हूँ यार, या तो रिटायरमेंट ले लेता हूँ भाई। बहुत तेज हो रहा है मैं तो बहुत, तो मुझे अब कॉल करनी होगी अपने फ्रेंड लेस्टर को और वही हमारी मदद कर सकता है, वही कुछ हल निकालेगा इसका, वो काफी मेरा पक्का दोस्त है। तो चलो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम पे, मिशन हमारा पास हो चुका है। और तो चलो गाइस आज के लिए बस एक शॉर्ट शॉर्ट वीडियो बना कर मिशन कंप्लीट करेंगे, GTA 5 की जो स्टोरी है वो भी हम साथ में लेके चलेंगे। तो अभी जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माइकल ने जो है अपने आप को लफड़े में फंसा दिया है और अब देखते हैं आगे क्या सीन है। मद्रासो जो है वो अभी कल क्या काम लेता है, क्या करता है, और माइकल जो है लेस्टर से मिलके क्या करने वाला है, क्या करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।